छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन पूर्व ईडी स्कानर राज्यर मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ईडी जाल में पड़ते महादेव बेटिंग आप्र प्रमोटर ठार् भूपेश बाघेल 508 कोटी टंका पाई अभियोग करिछि ईडी। गुरुवार महादेव बेटिंग आप दुर्नीति जड़ित गोटे कोरियर एजेन्सी रेड कर प्रवर्तन निर्देशालय चढ़ाऊ बेले संस्था पाखु नगद 5 कोटी 49 लक्ष टंका ठाब होता तेबे एही कोरियर संस्था सह जड़ित थिबा व्यक्ति को जेरा बेले सांघातिक तथ्य हासिल करिछि ईडी। संपृक्त व्यक्ति दावी करिछन्ति जे यूएई रे रहुतिबा महादेव बेटिंग आप्र प्रमोटर मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल को 508 कोटी टंका देइछन्ति। जेरा बेले जबत होइतिबा 5 कोटी रु अधिक टंका मुख्यमंत्री को देबा पई रखिथिले संपृक्त कोरियर संस्थार व्यक्ति जनक ईडी को कहिछन्ति। तेबे ईडी रो एही अभियोग परे प्रतिक्रिया रखिछन्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कहिछन्ति अभियोग संपूर्ण भित्तिहीन। सेबडे राज्यर पूर्वतन मुख्यमंत्री रमन सिंह कहिछन्ति जणे मुख्यमंत्री को विरोध रे एभळी अभियोग आसीबा निहाती लज्जाजनक। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ सट्टा महादेव वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहां तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने, अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है।